हाय नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे और बहुत ही मज़े में होंगे। आज की जो मेरी रिएक्शन वीडियो है वो गुरु नानक देव जी के ऊपर है। ये इन्फो एट आदिल चैनल है। मुझे एक रिक्वेस्ट आया था कि मैं इस वीडियो के ऊपर रिएक्शन वीडियो बनाऊं कि क्या मुझे पता है कि हमारे गुरु नानक देव जी जो थे वो सिख रिलीजन की जब उन्होंने नींव रखी उससे पहले वो किस रिलीजन को फॉलो करते थे या वो खुद किस रिलीजन को बिलोंग करते थे। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आई एम 100% श्योर कि वो सिख रिलीजन की स्थापना करने से पहले गुरु नानक देव जी हिंदू रिलीजन को फॉलो करते थे, लेकिन इस वीडियो में इन्होंने मेंशन किया है हु वॉज गुरु नानक। वॉज गुरु नानक मुस्लिम, कंप्लीट उर्दू बायोग्राफी एंड लाइफ स्टोरी ऑफ गुरु नानक देव जी। आई वुड से गुरु नानक देव जी, उन्होंने गुरु नानक ही लिखा हुआ है, बट हम रिस्पेक्टफुली उन्हें गुरु नानक देव जी ही बोलते हैं। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि गुरु नानक देव जी की जिंदगी के बारे में इन्होंने क्या मेंशन किया है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। नाज़रीन, बाबा गुरु नानक कौन थे? गुरु नानक कहाँ पैदा हुए? क्या बाबा गुरु नानक मुसलमान थे? गुरु नानक के क्या अकायद थे? गुरु नानक का इंतकाल कैसे हुआ और इंतकाल के बाद उनकी मैयत क्यों और कैसे गायब हो गई थी? क्या गुरु नानक ने हज किया था? गुरु ग्रंथ किसे कहते हैं और सिख करतारपुर से क्यों मोहब्बत करते हैं? यही हमारी आज की वीडियो का मौजू होगा और आज हम आपको सिखिज्म और बाबा गुरु नानक के हवाले से मुकम्मल मालूमात फराहम करेंगे। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल इन्फो एट आदिल सब्सक्राइब करें, जहां आपको बिलखसूस इस्लामिक हिस्ट्री और बिलुमूम दुनिया भर की मुनफरिद मालूमात पर मबनी वीडियोज मिलती रहेंगी। नाज़रीन, 15वीं सदी में पंजाब में पैदा होने वाला ये मज़हब जिसे सिखिज़्म कहते हैं, खुदा की वहदानियत का कायल है और बाबा गुरु नानक की तालीमात पर अमल करता है, जो कि किताब की सूरत में इनके पास मौजूद है जिसे गुरु ग्रंथ साहिब कहा जाता है। इस मज़हब के मानने वालों की कुल तादाद तकरीबन 30 मिलियन से ज़्यादा है और ये दुनिया की आबादी का तकरीबन 0.21% है। सिख मजहब के पैरोकार पाकिस्तान और भारत समेत दुनिया भर में पाए जाते हैं। नाज़रीन, सिख मजहब की बुनियाद बाबा गुरु नानक ने रखी थी। बाबा गुरु नानक पंजाब में तलोंडी नामी गांव, जिसे अब ननकाना साहिब कहा जाता है, में साल 1469 को पैदा हुए। आपके वालिद मेहता कालू पटवारी थे और वालिदा तरतिपा दोनों ही हिंदू थे। नाज़रीन, बाबा गुरु नानक की पैदाइश पर खानदान के पुरोहित हरदयाल ने जब उनका चेहरा देखा तो उसने हाथ जोड़कर बाबा गुरु नानक को नमस्कार किया और नानक की जन्मपुत्री देखकर कहा कि हिंदू और मुसलमान दोनों ही इसकी तारीफ के गीत गाएंगे। गुरु नानक ने जब होश संभाला तो उन्हें एक हिंदू उस्ताद के पास, हिसाब और मुसलमान उस्ताद के पास अरबी और फारसी पढ़ने के लिए भेजा गया, मगर उनका ध्यान पढ़ाई की तरफ कम ही था। उन्होंने करीबी जंगल में जाकर साधुओं और महात्माओं की सोहबत इख्तियार की। नाज़रीन, कहा जाता है कि नानक हक के मुतलाशी थे, मगर उनके घर वाले उन्हें उमूमी कामकाज में मशगूल रखना चाहते थे। इसके लिए कभी उन्हें भैंसें चरवाने को भेजा गया तो कभी कारोबार करने पर मजबूर किया गया और आखिर कहा गया कि और कुछ नहीं तो खेती बाड़ी का काम ही कर लो, जिस पर नानक ने कहा कि मैं तन के खेत में दिल को हल चलाने वाला बनाकर नेक काम काश्त करना चाहता हूं और जब फसल उगेगी तो मेरा खानदान ही क्या, तमाम दुनिया खुशहाल हो जाएगी। नाज़रीन, जब नानक के अतवार से उनके घर वाले मुतमईन न हुए तो आखिरकार उन्होंने बाबा गुरु नानक की शादी कर दी कि शायद इसी तरह वो दुनियादारी की तरफ मायल हो जाएं। नाज़रीन, कहते हैं कि नानक जी का दिल जब कहीं ना लगा तो घर वालों ने उन्हें सुल्तानपुर के नवाब दौलत खान के गोदाम में रसद का हिसाब किताब रखने पर नौकरी दिलवा दी। जब वो रसद तोलते हुए 13 की गिनती तक पहुंचते तो 13 में 13 का नारा लगाते हुए दम बखुद हो जाया करते। नानक दिल खोलकर गोदाम का माल गरीबों में बांटने लगे। जब नवाब साहिब से शिकायत की गई कि नानक आपका माल लुटा रहे हैं तो उन्होंने गोदाम का हिसाब किताब दोबारा लगवाया, मगर तमाम अजनास पूरी निकली।
नजरीन कहा जाता है कि एक दिन नानक करीबी नदी में नहाने निकले और 3 दिन तक नदी के अंदर गायब रहे। कहा जाता है कि यहीं नानक को खुदा का विसाल हुआ और खुदा ने उन्हें एक प्याला अनायत किया और कहा कि इसे खुद भी पियो और दुनिया को भी पिलाओ, जो तुम्हारा नाम लेगा उसका शऊर बेदार हो जाएगा। जब वो नदी से निकले तो उनके लबों पर एक अनोखा नारा था, ना कोई हिंदू ना कोई मुसलमान। शहर में एक हंगामा बरपा हो गया कि ये कौन है जो मुसलमानों की हुकूमत में और हिंदुओं के शहर में दोनों की तोहीन कर रहा है। काजी ने उनको तलब किया और पूछा कि नानक, तुम कहते हो कि यहां ना कोई हिंदू दिखाई देता है ना मुसलमान, तो फिर तुम कौन हो? नानक ने जवाब दिया कि मैं अपने आप को हिंदू कहता हूं तो वो मुझे मार देंगे, मगर मैं मुसलमान भी नहीं हूं। मैं 5 अनासिर का बना हुआ पुतला हूं और मेरा नाम नानक है। काजी ने कहा, हो सकता है कि हिंदू अपने मजहब को छोड़ चुके हों, मगर हम तो 5 नमाजें अदा करते हैं और वो भी खुदा के हुजूर खड़े होकर। तो क्या तुम नहीं जानते कि इनमें क्या राज पोशीदा है और हम इसके सिले में खुदा की राह में बख्शे जाएंगे? जिस पर नानक ने जवाब दिया कि मैं भी दिन में 5 वक्त की नमाज अदा करता हूँ, एक सच की, दूसरी हक हलाल की कमाई की, तीसरी खुदा के फजलो करम की, चौथी नीयत और ईमानदारी की, और 5वीं खुदा की हकीकी याद की। इनसे अजीम तर कोई नमाज नहीं हो सकती। काजी ने कहा कि मेरे साथ नमाज पढ़ कर देखो, तुम्हें खुद ही फर्क मालूम हो जाएगा। नानक ने कहा, मुझे मंजूर है। जब काजी नमाज के लिए खड़े हुए तो नानक एक तरफ होकर मुस्कुराने लगे। जब नमाज खत्म हुई तो काजी ने नवाब सुल्तानपुर से शिकायत कर दी कि जब हम नमाज अदा कर रहे थे तो नानक हम पर हंस रहा था। नानक ने जवाब दिया कि नवाब साहिब, जब काजी साहिब नमाज अदा कर रहे थे तो उनका ध्यान अपनी घोड़ी की तरफ था, जिसके हां नया बच्चा हुआ है। जब काजी साहिब को अंदेशा था कि घोड़ी का बच्चा कहीं कुएं में ना गिर जाए, तो वो नमाज के लिए खड़े हो गए। ये कहकर नानक जी वहां से चल दिए। नवाब साहेब ने बहुत कहा कि मुलाजमत जारी रखें, मगर नानक ने कहा कि वो अब उसके हां मुलाजमत नहीं करेंगे, बल्कि वो उसके हां मुलाजमत करेंगे जिसके हां तमाम कायनात हाथ बांधे खड़ी है। ये कहकर बाबा गुरु नानक ने मर्दाना को, जो वहां उनका मुरीद हुआ था और रुबाब बजाया करता था, साथ लिया और जंगल की तरफ चल पड़े। नानक जी जंगलों आबादियों में घूमते रहे। उनका नाम अब गुरु के नाम से मशहूर हो चुका था। जब वो हिंदुओं के मरकज हरिद्वार पहुंचे तो वहां गंगा में हिंदू नहा रहे थे और पानी मशरक की तरफ उछालते थे। जब नानक जी ने इसकी वजह पूछी तो बताया गया कि ये पानी मरने वाले बुजुर्गों को दिया जा रहा है ताकि उनकी जिंदगी आसूदा और ठंडी रहे। ये सुनकर नानक जी ने पानी मगरिब की तरफ उछालना शुरू कर दिया। लोग हंसे कि क्या कभी किसी ने मगरिब की तरफ भी पानी उछाला है? तो नानक जी ने जवाब दिया कि मेरे खेत यहां से मगरिब की तरफ हैं और पंजाब में हैं, मैं उनको यहां से पानी दे रहा हूं। लोग कहने लगे, इतनी दूर से दिया हुआ पानी आपके खेतों को कैसे सरसब्ज करेगा? जिस पर गुरु नानक ने कहा, अगर आपका दिया हुआ पानी दूसरी दुनिया में पहुंच सकता है तो क्या मेरा पानी इस दुनिया में मेरे खेतों को सरसब्ज नहीं कर सकता? दरअसल बाबा गुरु नानक ने उनके अकीदे की नफी की थी। नजरीन कहते हैं कि मुगल शहनशाह जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर जब हिंदुस्तान पर हमलावर हुआ और उसने पंजाब को तहतेख किया, तो ऐमनाबाद में जो जंगी कैदी बनाए गए उनमें बाबा गुरु नानक और मर्दाना भी थे। गुरु नानक को चक्की पीसने पर लगा दिया गया। बाबा जी बुलंद आवाज में कलिमात हक कहते और खुशी से अपना काम करते। जब ये खबर बाबर को मिली कि एक फकीर खुशी से चक्की चला रहा है और कलिमात हक कह रहा है और एहसान मंदी के साथ घूमता है, तो बाबर ने कहा कि मैं ऐसे फकीर का दीदार करना चाहता हूँ। जब बाबा गुरु नानक को पेश किया गया तो बाबर ने कहा, मैंने बेखबरी में अल्लाह के वली को दुख पहुंचाया है, मैं इसकी माफ़ी मांगता हूं। मैंने लोधी खानदान के मजालिम से लोगों को निजात दिलाने के लिए हिंदुस्तान पर हमला किया। गुरु नानक ने जवाब दिया, अगर आपने भी रियाया पर जुल्म किया तो आपका भी यही अंजाम होगा। जिस पर बाबर ने कहा, मैं वादा करता हूं कि मैं मासूमों को कभी नहीं सताऊंगा। बाबा गुरु नानक ने कहा, खुदा तुम्हारा रास्ता रोशन और मुनव्वर करे।
ये कहकर वहां से चल दिए। गुरु नानक ने मक्का, मदीना और बगदाद का सफर भी किया और बाज रिवायात के मुताबिक बाबा गुरु नानक ने हज बैतुल्ला भी किया था। नाजरीन, एक बात यह भी किताबों में लिखी हुई है, अल्लाह रब्बुल इज्जत जानता है कि यह सच है या झूठ। कहा जाता है कि जब वो थके मांदे रात को मक्का मुकरमा पहुंचे तो रात को सोते वक्त उन्होंने अपने पांव खाना काबा की तरफ फैला दिए। वहां एक मौलवी ने उनको ठोकर मारकर जगाया और कहा, ए काफिर, तू हज करने आया है और तुझे इतना भी नहीं पता कि तूने खाना खुदा की तरफ टांगे फैला रखी हैं। गुरुजी ने बड़े सुकून से जवाब दिया कि हुजूर, जिस तरफ खाना खुदा न हो मेरी टांगे उस तरफ कर दीजिए। मौलवी जिस तरफ गुरु नानक की टांगे घुमाता उसी तरफ उसे खुदा का जलवा नजर आता, जिस पर वो चिल्लाने लगा कि अल्लाह अल्लाह, हिंदुस्तान से कोई खुदा रसीदा बुजुर्ग आया है जो लोगों को खुदा का दीदार करा देता है। नाजरीन, बाबा गुरु नानक ने जब तबलीग का सफर खत्म किया तो उन्होंने अपने आखिरी साल करतारपुर में गुजारे। यहां हजारों लोग उनका दीदार करने आते। गुरु नानक ने कई आजमाइशें लेने के बाद अपनी गद्दी भाई लहना को सौंप दी। उसके बाद उन्होंने अपने खानदान और खादिमों को जमा किया और खुदा की हमद सना बयान की। फिर तमाम मजमे ने ऐसा ही किया। इतने में बाबा गुरु नानक मुराकबे में चले गए और उसी हालत में उनका इंतकाल हुआ, जिसके बाद उनके हिंदू और मुसलमान मुरीदों में झगड़ा हो गया। मुसलमान मुरीद कहते थे कि हम इनको दफनाएंगे, हिंदू कहते कि वो अपनी रस्म के मुताबिक उनका संस्कार करेंगे। आखिर में दोनों इस बात पर मुत्तफिक हो गए कि दोनों अपने अपने फूल उनके जिस्म पर रख दें, सुबह जिस फरीक के फूल न मुरझाएं वही उनके जिस्म का वारिस होगा। सुबह हुई तो दोनों फरीकैन के फूल ताजा थे और महक रहे थे, मगर जब चादर हटाई गई तो बाबा गुरु नानक का जिस्म गायब था। नाजरीन, आपको आखिर में बताया जाएगा कि बाबा गुरु नानक का जिस्म कैसे गायब हुआ। नाजरीन, गुरु नानक की तालीमात सिखों की मुतबर्रक किताब गुरु ग्रंथ में मौजूद हैं। यहां पर उनकी 974 मंजूम नज़में मौजूद हैं। नाजरीन, बाज़ मौरिखीन ने लिखा है कि बाबा गुरु नानक दर हकीकत अल्लाह के कोई वली थे जो मुसलमान थे, और दुनिया के बाकी कज़्ज़ाबों की तरह बाबा गुरु नानक ने ना तो नबूवत का झूठा दावा किया और ना ही विलायत का, बल्कि वो फकीर खुदा मस्त और मजजूब थे। नाजरीन, ये हकीकत है कि बाबा गुरु नानक हिंदू खानदान में पैदा हुए थे, मगर उनकी सारी उम्र हिंदुओं के तहजीब तमद्दुन और रस्म व रिवाज के खिलाफ गुजरी। गुरु नानक को तालीम दिलवाने का इंतजाम खुद उनके वालिद ने किया और उन्हें एक मुसलमान मुअल्लिम सैयद हसन के यहाँ बिठाया। सैयद हसन को कुतुबुद्दीन और रुकनुद्दीन के नाम से भी पुकारा जाता है। सैयद हसन ने नानक को होनहार देखकर उनकी तालीम और तरबियत में कोई कसर न छोड़ी। चुनाचे बचपन ही से गुरु नानक इस्लामी अकायद से वाकिफ हो गए, सूफियाए कराम का कलाम पढ़ने लगे और उसका पंजाबी में तर्जुमा करने लगे। और बाबा गुरु नानक ने हमारे प्यारे आका अहमद मुश्तबा जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की शान में अशार भी लिखे, और उनका एतमाम के साथ मक्का मुकरमा जाना भी इस बात की दलील है कि वो इस्लाम से मुतासिर थे, मगर चूंकि वो जमाने से अलग फिक्र के मालिक थे जिनको उस वक्त कोई न समझ सका। नाजरीन, आगाज में बाबा गुरु नानक नवाब दौलत खान के यहाँ माल जक़ात के मुंशी मुकर्रर हुए थे। 30 साल की उम्र में न सिर्फ मुलाजमत छोड़ दी थी बल्कि घर बार को भी खैराबाद कह दिया और सैर व सयाहत शुरू कर दी। हिंदुस्तान, लंका, ईरान और अरब के सफर किए और 40 साल तक इन मुल्कों में मुकद्दस मकामात की जियारत भी की। हजरत बू अली कलंदर पानीपति अलैह रहमा के पास एक मुद्दत तक रहे। मुल्तान के मशहूर बुजुर्ग हजरत बाउद्दीन जकरिया मुल्तानी अलैह रहमा के मजार पर हाजिरी दी। हजरत गौसुल आजम सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी अलैह रहमा और हजरत मुराद अलैह रहमा के मजारात पर चिल्ला कश हुए। शहर के बाहर जुनूब मगरब में एक कब्रिस्तान से मुलहिका चार दीवारी में आज भी आपका चिल्ला मरज़ाए खलाइक है। अजमेर शरीफ में हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अलैह रहमा के मज़ार पर 40 दिन चिल्ला किया। बमुकाम सरसा हजरत शाह अब्दुल शकूर अलैह रहमा की खानकाह पर 40 दिन ठहरे। उस खलवत खाना का नाम आज भी चिल्ला बाबा नानक है।
हसन अब्दाल जिला अटक की पहाड़ी पर हजरत बाबा वली कंधारी अलैह रहमा की बैठक पर हाजिर हुए और ठहरे। पाक पतन शरीफ में हजरत शेख फरीदुद्दीन गंज शकर अलैह रहमा के मज़ार पर खलवत नशीं हुए। हजरत इब्राहिम फरीद चिश्ती अलैह रहमा, जो हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर अलैह रहमा की 12वीं पुश्त से थे, की तालीम से अज हद मुतासिर थे। गुरु नानक के कलाम के मजमुआ का नाम ग्रंथ साहिब है, जो हजरत इब्राहिम फरीद चिश्ती अलैह रहमा की शायरी से लबरेज है। बाज का ख्याल है कि ये भी हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर अलैह रहमा का कलाम है, जिसके हर शेर के आखिर में फरीद तखल्लुस आया है। गुरु नानक का विर्द हमेशा हु रहा। आप पर एक ऐसा वक्त भी आया कि आप आलम इस्तगराक में चले गए, जिसकी वजह से नमाज रोजे की पाबंदी न कर सके और ना ही आपको हजामत बनवाने का होश रहा। चुनाचे आपके पैरोकारों ने भी नमाज रोजा की पाबंदी को जरूरी न समझा और हजामत को भी बिल्कुल तर्क कर दिया। चुनाचे यहां से ही हिंदुओं के अलग थलग एक नए फिरके सिखों की बुनियाद पड़ी। नजरीन, सिख हजरात ये तस्लीम करते हैं कि बाबा गुरु नानक हज बैतुल्ला के लिए मक्का मुकरमा भी गए थे। बाद अज़ां बगदाद शरीफ हजरत गौसुल आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी अलैह रहमा की बारगाह में भी हाजिरी दी। बगदाद शरीफ से आपको एक चुगा मिला था, जिस पर कलिमा तैयबा, कुरानी आयात, सूरह फातिहा, सूरह इखलास, सूरह नसर, आयतुल कुर्सी और अस्माउल हुस्ना दर्ज हैं। ये चोला डेरा बाबा नानक जिला गुरदासपुर में आज भी मौजूद है। बाबा गुरु नानक ने अपनी जिंदगी के आखिरी हिस्से में दरियाए रावी के किनारे करतारपुर का एक कस्बा आबाद किया, जो आजकल तहसील शकरगढ़ में दरबार साहिब के नाम से मशहूर है, और अपने घर के मुत्तसिल एक मस्जिद तामीर करवाई और उसमें नमाज पढ़ाने के लिए एक इमाम भी मुकर्रर किया था। नाज़रीन, बाबा गुरु नानक इस्लामी इबादात, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज और कलमा तैयबा और आजान की हक्कानियत और अहमियत से बखूबी आगाह थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वहदानियत और पैगंबर इस्लाम नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की रिसालत पर कामिल एतकाद रखते थे। मुसव्वर पाकिस्तान डॉक्टर मोहम्मद अल्लामा इकबाल ने गुरु नानक के पैगाम तौहीद की कैफियत को यूं वाज़े किया है, फिर उठी आखिर सदा तौहीद की पंजाब से, हिंद को एक मर्द कामिल ने जगाया ख्वाब से। नजरीन, अफसोस के सिख हजरात बनावटी रस्मों, शिरकिया अफआल और गलत फहमियों में पढ़कर सिरात मुस्तकीम से बहुत दूर जा पड़े हैं, जिसकी तरफ बाबा गुरु नानक ने रहनुमाई की थी और जिस पर आपकी तालीमात हैं। ये हकीकत भी नहायत दिलचस्प और ईमान अफरोज है कि बाबा गुरु नानक ने एक कुलिया के तहत हुरूफ़ अबजद से ये साबित किया था कि कायनात की हर चीज़ जनाब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के नूर से मुनव्वर है। नाज़रीन, बाबा गुरु नानक की मैयत गायब कैसे हुई थी, इस हवाले से मौरखीन ने लिखा है कि रात को कुछ मुसलमानों ने बाबा गुरु नानक की मैयत को उठाया और चुपके से नमाज जनाजा अदा करके किसी नामालूम मकाम पर आपको दफन कर दिया। नाज़रीन, इसी उम्मीद के साथ इजाज़त दीजिए कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई तारीखी, तहकीकी और मालूमाती वीडियो के साथ। देखते रहिए info@adil। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपका हामी और नासिर हो। तो ये थी स्टोरी गुरु नानक देव जी की जिंदगी के बारे में, और जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही मेंशन किया था कि गुरु नानक देव जी जो है वो एक हिंदू फैमिली में पैदा हुए थे, बट हिंदू रिलीजन में काफ़ी ऐसे कस्टम थे या कुछ ऐसी चीज़ें थी जो उन्हें नहीं पसंद थी और जिनके अगेंस्ट में उन्होंने अपनी वॉइस रेज की थी। और गुरु नानक देव जी जो हैं वो 5 साल की उम्र से ही, मतलब बहुत ही उनका ध्यान जो है भक्ति भाव में था। उनकी फैमिली ने भी देखा था कि मतलब ये भक्ति भाव में इनका ध्यान ज़्यादा है, पढ़ाई लिखाई में और उसमें कम था। हालाँकि वो बहुत इंटेलिजेंट थे, उनके जो टीचर थे वो भी उनसे हमेशा इम्प्रेस रहते थे। और जो इन्होंने लास्ट में मेंशन किया है कि गुरु नानक देव जी की जो शरीर था उसको रातों रात मुस्लिम लोगों ने उठा लिया था और उन्होंने अपने कस्टम के अकॉर्डिंगली उनका जो लास्ट रिचुअल्स थे वो कंप्लीट किए थे, वो ये एक नई चीज़ है जो इस वीडियो में इन्होंने ऐसे मेंशन की है।
अदरवाइज जो हकीकत है वो यही है कि गुरु नानक देव जी का जो शरीर था वो, मतलब जो हिंदू और मुस्लिम दोनों लोग आर्ग्यूमेंट कर रहे थे कि इनके जो लास्ट रिचुअल्स है वो कौन कंप्लीट करेगा, तो उस टाइम पे उन्होंने वही फ्लावर्स रखे थे उनके ऊपर कि जिनके फ्लावर भी ज़्यादा टाइम तक फ्रेश रहेंगे वो उसी कस्टम के अकॉर्डिंगली इनके जो लास्ट रिचुअल्स है वो सारे कंप्लीट किए जाएंगे। बट मॉर्निंग में जब देखा तो गुरु नानक देव जी का शरीर वहाँ पर नहीं था, और इन्होंने जैसे बोला है कि उनका इंतकाल हो गया, तो इंतकाल नहीं बोला जाता, हम लोग बोलते हैं कि गुरु नानक देव जी ज्योति जोत समा गए। तो ये एक रिस्पेक्ट होती है, जैसे अगर हम मुस्लिम्स की बात करें वो प्रॉफ़िट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिर्फ मोहम्मद बोलकर एड्रेस नहीं करते हैं, या उनके लिए कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो यूज़ नहीं किए जाते। तो इन द सेम वे सिख रिलीजन में गुरु नानक देव जी बोला जाता है, प्रॉपरली पूरा एड्रेस किया जाता है, आगे गुरु और पीछे जी जरूर लगाया जाता है, हम लोग सिर्फ नानक कह के एड्रेस नहीं करते, और हम लोग कभी भी उनको भगवान गॉड ये सब नहीं बोलते, हम उनको हमेशा अपने गुरु की तरह एड्रेस करते हैं। आप किसी भी सिख से अगर बात करेंगे तो वो लोग हमेशा यही बोलेंगे कि ये जो हमारे हैं 10 गुरु हैं, कभी कोई उनको भगवान जी या गॉड परमात्मा ये सब नहीं कहते हैं, हमेशा उन्हें अपने गुरु कह के एड्रेस किया जाता है जिन्होंने एक सही राह दिखाई है सारे सिख लोगों को। और आज की डेट में भी अगर हम देखें, अगर गुरुद्वारे जाएं तो वहाँ पे ऐसा कोई रिलीजन का बंदा नहीं होगा जो आपको गुरुद्वारे में नहीं मिलेगा। तो अगर हम जो दिल्ली में गुरुद्वारा बंगला साहिब जी है वहाँ देखें तो वहाँ पर आपको हिंदू मुस्लिम सरदार, तो खैर वहाँ सिख तो जाते ही जाते हैं, तो आपको ऑलमोस्ट सारे रिलीजन के लोग वहाँ पर मत्था टेकते हुए दिख जाएंगे। इसके अलावा मुंबई में एक और गुरुद्वारा है, गुरुद्वारा हजूर साहब, अगर वहाँ देखें वहाँ पर तो मतलब जब हम भी गए थे तो वहाँ पर काफ़ी सारे मुस्लिम्स आते हैं, मतलब जो लेडीज़ होती हैं प्रॉपर उन्होंने बुरखा भी पहना होता है और वो वहाँ पर आती हैं। और गुरुद्वारे में तो ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि सिर्फ सरदार आ सकते हैं या कोई नॉन सिख इंसान नहीं आ सकता, गुरुद्वारे जो हैं वो सबके लिए खुले हैं, सब लोग जाते हैं विजिट करके आते हैं। और जो वहाँ पे कड़ा प्रसाद मिलता है वो मैंने पर्सनली देखा है कि ऑलमोस्ट हर इंसान को, मतलब 100% जो लोग कड़ा प्रसाद खाते हैं उनको पसंद आता है, कोई इंसान ऐसा नहीं बोलता है कि मतलब बहुत ऑयली, ऑल्दो बहुत वो देसी घी में बनता है, जब हम प्रसाद लेते भी हैं तो पूरे मतलब वो इतना ज़्यादा उसमें देसी घी होता है कि पूरा आपके भी, आपने ऐसे करके लिया होगा बट आपके फिंगर्स में से यहाँ से पूरा देसी घी आपके हाथों पे लग जाता है, इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में देसी घी डाला जाता है। बट उसका जो अपना फ्लेवर है, जो टेस्ट आता है वो बहुत ही यूनिक होता है, क्योंकि मतलब वो एक उसमें बनाते टाइम स्पिरिचुअल फीलिंग्स होती हैं जब बनाया जाता है, उन गुरु जी का नाम लेके बनाया जाता है, तो इसीलिए उसका जो टेस्ट है वो हम घर पे जितना मर्जी देसी घी डाल के अच्छे से अच्छे नट्स डाल के बना ले बट उसमें वो फ्लेवर नहीं आता जो गुरुद्वारे के एक सिर्फ देसी घी में बनाए हुए कड़ा प्रसाद में आता है। मेरे खुद जो मुस्लिम फ्रेंड्स हैं वो लोग हमारे साथ में कई बार जाते हैं गुरुद्वारे, मत्था टेकते हैं, सरोवर के आसपास परिक्रमा करते हैं, कई बार वो वहाँ पे होली बात है वो भी लेते हैं और प्रसाद भी खाते हैं, लंगर भी खाते हैं वो लोग, तो वो कभी ऐसे नहीं बोलते कि हम क्यों जाएं। तो मतलब ये एक रिस्पेक्ट है उनके दिलों में भी कि हमें मतलब रिस्पेक्ट तो देना चाहिए, अगर वो सिख गुरु हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन रिस्पेक्ट तो हर जो गुरु जी हैं, वो किसी भी रिलीजन के एक गुरु जी हैं, भगवान जी हैं, तो हम लोगों को उन महान आत्माओं को रिस्पेक्ट हमेशा देनी चाहिए। और इन्फो एट आदिल ने बहुत ही खूबसूरती के साथ में गुरु नानक देव जी की ज़िंदगी के बारे में बयान किया है, उनके बारे में बताया है, उनकी लाइफ स्टोरी बताई है, तो आई रियली अप्रिशिएट इट। और आज की इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, बाय बाय। क्योंकि हम अबू तालिब को समझा कर